हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जनरल साइंस का। यह है पार्ट टू, जिसमें कि हम यह है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर वन जो हमने स्टार्ट किया था, मैटर एंड इट्स स्टेट, उसका ये पार्ट भी है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या होता है, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैसीय स्टेट में होती है, वो सभी चीज़ें उसको हम कहते हैं मैटर। जिसका के कोई मास होता है उसको हम कहते हैं मैटर। तो आगे इसकी दो टाइप्स बन जाती हैं। सबसे पहली है जिसमें के प्योर सब्सटेंसेस, सेकंड है इसमें मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंसेस के आगे दो पार्ट्स हैं, एक है एलिमेंट्स, दूसरे हैं कंपाउंड्स। तो सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स जैसे कि वे कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और इसमें आयरन वगैरह होते हैं, ऑक्सीजन, ये सभी एलिमेंट्स होते हैं। जो भी हम यह पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें जितने भी यह एलिमेंट्स होते हैं वो सभी इनमें आ जाते हैं। दीज आर द वे एलिमेंट्स। तो फिर जब हम एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं आपस में, ये एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स फॉर्म कर लेते हैं, उनसे फॉर्म होते हैं कंपाउंड्स। जैसे कि हम H2O फॉर्म करते हैं। H2O में क्या है कि दो एलिमेंट्स ज्वाइन हुए हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने ज्वाइन होकर H2O फॉर्म किया है। H2O एक वह कंपाउंड है। तो ऐसे ही आप और भी बहुत सारे वह कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि इसमें CH4 हो सकता है कंपाउंड, मीथेन फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही ये सभी बन जाते हैं कंपाउंड्स। तो ये दोनों अलग अलग बन गए हमारे पास कंपाउंड्स। तो ये दोनों हो गए टाइप्स ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब है इनमें कोई भी और दूसरी चीज़ नहीं होगी। अगर हमने यहाँ पर H2O यूज़ किया है तो वो सारे का सारा H2O ही होगा। सेकेंड इसमें था कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एक होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले कि मिक्सचर क्या होते हैं, जिनमें के आप दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स या को एक दूसरे में रला देते हैं, एक दूसरे में इंटरमिक्स में करवा देते हैं, उनको हम कहते हैं मिक्सचर्स। तो जैसे कि अगर आपके पास एक साइड पर H2O है, अगर एक साइड पर आपके पास CH4 है, उन दोनों को अगर आप एक दूसरे में इंटरमिक्स यह करवा देते हैं तो वो बन जाएगा इन दोनों का मिक्सचर। तो इन्हें हम कहते हैं मिक्सचर्स। इनकी दो टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस होगा कि हेट्रोजीनियस होगा। होमोजीनियस वो होता है जिसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हो, मतलब हर जगह पर एक जैसी ही चीज़ डिज़ोल्व हो जाए। जैसे कि हम वाटर में शुगर को वह ऐड करवा देते हैं तो उसमें हर जगह पर शुगर एक जैसी डिज़ोल्व हो जाती है, यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व होती है। तो दूसरी टाइप है इसमें हमारे पास हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस जिसमें कि यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, अलग अलग फेस बन जाएं। जैसे कि अगर आप सैंड को वाटर में रला देते हैं या फिर ऑयल को वाटर में ऐड कर देते हैं तो दोनों एक दूसरे में इंटरमिक्स होने की जगह पर अलग अलग अपने फेस इसमें फॉर्म हो जाते हैं। तो इसके बाद जो होमोजीनियस सॉल्यूशंस होते हैं उनमें आ जाते हैं ट्रू सॉल्यूशंस, जिनमें के यह पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, जो कि यूनिफॉर्मली हर जगह पर डिज़ोल्व हो जाता है। और हेट्रोजीनियस की दो टाइप्स हैं, यह कोलाइड्स एंड वह सस्पेंशंस। वह कोलाइड्स में क्या होता है कि यह पार्टिकल्स का साइज़ इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, वो यूनिफॉर्मली डिपॉजिट तो हो जाते हैं बट उसमें भी फेजेस अलग अलग होते हैं, डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस होते हैं। और सस्पेंशंस की स्टेबिलिटी बहुत ही लो होती है, जैसे कि आप अगर सैंड को वाटर में ऐड वे करवा देते हैं वो बच जाती है हमारे पास सस्पेंशन। ऐसे ही थे हमारे पास एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं, सबसे पहले होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड द मेटलॉइड्स। तो ये सभी थे हमारे पास मैटर की डिफरेंट यह क्लासिफिकेशंस। अब हम इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो यह टर्म्स है वो सभी एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं यह सॉल्यूशंस। तो यह सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हुआ होगा ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। द मेजर कंपोनेंट, जो इसमें यह कंपोनेंट ज़्यादा है अमाउंट में होगा उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट लो होगा उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। जैसे कि शुगर इन वाटर और या फिर अलोएस। अलोएस जैसे कि हम ब्रास यूज़ करते हैं, ब्रोंज यूज़ करते हैं, वो सभी वह सॉल्यूशंस होते हैं सॉलिड इन सॉलिड के।
सॉल्यूशन की यह कंसंट्रेशन को अगर हमें सोल्व करना हो, मतलब कि आपने सोलवेंट में कितना सल्यूट उसमें यूज़ किया है, जैसे कि हमने वाटर में कितनी शुगर ऐड की है, वो हो जाती है उसकी वह कंसंट्रेशन। उसके लिए अलग अलग फार्मूलेस होते हैं, वो भी आप इसके साथ सोल्व कर सकते हैं। थर्ड है, इसमें हमने अभी एक्सप्लेन किया था कि इसमें यह सस्पेंशन क्या होती है। तो सस्पेंशन में क्या होता है कि सल्यूट पार्टिकल्स जो इसमें इनसोल्युबल होते हैं और हम उनको विजिबल हो जाते हैं, हम उनको आँखों के साथ भी देख सकते हैं, जैसे कि चाक यह पाउडर इन वाटर या फिर वीट फ्लोर इन वाटर, ये दोनों बनाते हैं सस्पेंशंस। और इसके आगे वाला इम्पोर्टेंट है यह कोलाइड्स। यह कोलाइड्स क्या है कि वैसे तो ये हमारे पास हेट्रोजीनियस यह सॉल्यूशंस होते हैं, बट इनमें पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है कि जिनको हम आँखों के साथ वो विजिबल नहीं होते, और इनका साइज़ इतना होता है कि इन पर जब कोई रेज स्ट्राइक करती हैं तो उनकी स्कैटरिंग हो जाती है। इनकी स्कैटरिंग होती है तो उससे हम नाम देते हैं यह टिंडल इफ़ेक्ट। इनकी स्टेबिलिटी भी होती है, इनमें जो इनमें हमने जिस चीज़ को किसी दूसरी में डिसोल्व किया होता है उसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस, जिसको हमने किसी दूसरे में डिसोल्व यह करना है इन द डिस्पर्शन मीडियम। जैसे कि अगर आप किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में यह डिस्पर्स कर रहे हैं तो ये सॉलिड बन जाएगा हमारा डिस्पर्स्ड फेस और ये बन जाएगा हमारा डिस्पर्शन मीडियम। तो ऐसे ये दोनों होते हैं इसमें, जैसे कि सल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर होते हैं डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। इनकी एग्जांपल्स बहुत ही यूज़फुल होती हैं, हम बहुत सारे यह कोलाइडल यह सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, जैसे कि फोम जेल्स होती हैं, फोग होती है, स्मोक होती है, मेलक होती है, और या फिर इंक इन वाटर, ये सभी यह कोलाइडल सॉल्यूशंस की एग्जांपल्स हैं। तो इसके बाद था हमारे पास यह टिंडल इफ़ेक्ट। ये क्या था कि जब किसी भी यह कोलाइड पर रेज आकर स्ट्राइक होती हैं और उनके पाथ को हम देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं यह टिंडल इफ़ेक्ट। जैसे कि किसी स्मॉल होल में से अगर रूम में रेज जब कोई फाइन बीम एंटर होती है तो हम डस्ट यह पार्टिकल्स से उनकी स्कैटरिंग होती है, जिससे कि हम उनके पाथ को देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं वह टेंडल इफ़ेक्ट। जैसे कि वह फॉरेस्ट वगैरह में ऐसा हमें आम तौर पर देखने को मिल जाता है, इसे हम कहते हैं टेंडल इफ़ेक्ट। नेक्स्ट है इसमें कुछ यह कोलाइड्स की एग्जांपल्स। तो ये सभी आपको याद कर लेनी है कि अगर आप लिक्विड को गैस में यह ऐड करते हैं तो क्या बनेगी इसमें एरोसोल, इसकी एग्जांपल क्या बनेगी फोग या फिर वह क्लाउड्स। सॉलिड को गैस में करते हैं तो बन जाएगी स्मोक, गैस को लिक्विड में करते हैं तो बन जाएगी शेविंग क्रीम, लिक्विड को लिक्विड में करते हैं तो बन जाएगा मिल्क या फिर फेस क्रीम। ऐसे ही आपको ये सभी एग्जांपल्स याद कर लेनी है, ऐसी एग्जांपल्स जनरली पेपर्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें कि अगर हमने सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से उनके कंपोनेंट्स को सॉल्यूशन में से अलग अलग वह करना हो, उनके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी सॉलिड को जो कि किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व किया हुआ है, जैसे कि हमने साल्ट को वाटर में डिसोल्व किया है, उसको आपको उसमें से यह अलग निकालना है, तो उसमें हम यूज़ करेंगे इवेपोरेशन। उसकी हम इवेपोरेशन करवा देंगे, वाटर सारे का सारा इवेपोरेट हो जाएगा और साल्ट हमारा वहाँ पर रह जाएगा। ऐसे आप इसकी इवेपोरेशन करवा सकते हैं। अगला है, अगर आपको इसमें से कोई ऐसी चीज़ बाहर निकालनी है जो कि जिसकी के डेंसिटी लो है, जो कि दूसरी चीज़ से हल्की है, तो हम इसमें यूज़ करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ हम क्रीम में से बटर को यह निकाल सकते हैं। क्रीम में से अगर आपको बटर निकालना हो तो उसमें हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब कि उसको बहुत ही हाई स्पीड पर रोटेशन के साथ क्या होता है कि हल्की चीज़ ऊपर आ जाती है। बटर क्रीम से हल्का होता है इसलिए वो ऊपर आ जाता है, जिसके साथ के हम उसको उसमें से निकाल सकते हैं, अलग निकाल सकते हैं। तो बहुत ही हाई स्पीड पर उसे रोटेट करने को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन।
नेक्स्ट इज़ अगर आपको दो ऐसी चीज़ें जो कि एक दूसरे में इमिसिबल हैं, जो कि एक दूसरे में डिजोल्व नहीं हो सकती, उनको अगर हमने अलग करना है, जैसे कि टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, तो हम इसमें यूज़ करते हैं सेपरेटिंग फनल। तो ये होता है सेपरेटिंग फनल। इसमें जब आप ऑयल एंड वाटर को एक दूसरे में रला देंगे तो क्या होगा कि दोनों की डिफरेंट डिफरेंट फेज़ बन जाएंगे। तो एक साइड से अगर हम इसे ओपन में करेंगे तो यहाँ से पहले वाटर आ जाएगा बाहर और बाद में यहाँ पर सिर्फ ऑयल रह जाएगा। ऐसे हम उन दोनों को इसमें से अलग निकाल सकते हैं जो कि एक दूसरे में इमिसिबल हैं। इसके बाद है अगर हमने दो सॉलिड्स को एक दूसरे से अलग अलग निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है। उसमें क्या कंडीशन है कि एक सॉलिड ऐसा होना चाहिए जो कि डायरेक्टली ही गैस में चेंज हो जाता हो, जिसकी के सब्लिमेशन होती हो। तो इसका जो हमने पहला पार्ट किया था उसमें हमने इसे एक्सप्लेन किया था कि यह सब्लिमेशन क्या होती है, जैसे कि अमोनियम यह क्लोराइड होता है, यह कैम्फर होता है, नेप्थलीन होती है, एंथ्रासीन होती है। ये सभी ऐसे हैं जिनकी सब्लिमेशन हो सकती है। अगर हमने इनको किसी दूसरे साल्ट में ऐड किया हुआ है तो हम इस चीज़ को यह चाइना डिश में रखकर इसको हम करेंगे स्ट्रॉन्गली हीट। उसके साथ क्या होगा कि अमोनियम क्लोराइड जैसे साल्ट गैस में चेंज होकर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे और दूसरा साल्ट यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा। इस पे हम यूज़ करते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है इसमें यह है क्रोमेटोग्राफी, जिसको के हम टू सेपरेट द यह कलर्स को किसी डाई में से अगर हमने अलग अलग निकालना हो उसके लिए यूज़ करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा यह कलर्ड यह कंपोनेंट वाटर में ज़्यादा डिजोल्व होता है, और ज़्यादा डिजोल्व होने के कारण वो यहाँ से जल्दी ऊपर को आ जाता है एंड दूसरा यह कंपोनेंट यहीं रुक जाएगा, दूसरा कंपोनेंट यहाँ तक आ जाएगा। ऐसे वो दोनों यह कलर जो हैं वो दोनों यह अलग अलग हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं यह क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है इसमें डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन दो इक्वर्ड्स जो कि एक दूसरे में डिसोल्व हो जाते हैं, मिसिबल होते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं। इन दोनों को हम क्या करते हैं कि इन दोनों की हम करवा देते हैं बॉइलिंग। इन दोनों के बॉइलिंग वह पॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, वहाँ पर इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको इथानॉल एंड वाटर में से इन दोनों को अलग निकालना हो तो वहाँ पर हम डिस्टिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को बॉयल में करवा कर इन दोनों को यहाँ से यह सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट वह प्रोसेस यूज़ करते हैं अगर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस बहुत ही लो हो, बहुत ही यह कम हो डिफरेंस, तो हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यह पेट्रोलियम में से सभी जो डिफरेंट उसके यह प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि डीजल होता है, पेट्रोल होता है, और भी बहुत सारे इसके जो वे प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सभी को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ ही एक दूसरे से यह सेपरेट किया जाता है। तो आपको इन सभी यह प्रोसेसेस की एप्लीकेशंस को याद रखना है। लास्ट वन इज़ द क्रिस्टलाइजेशन। अगर आपको किसी साल्ट में से इम्प्योरिटीज़ को इसमें से यह सेपरेट वे करना हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं यह क्रिस्टलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि उस साल्ट को जिसमें के इम्प्योरिटीज़ ऐड हों उसको हम पहले डिसोल्व करवाते हैं, फिर उनके री वह क्रिस्टल्स को फॉर्म करवाते हैं। तो फिर क्या होता है कि इम्प्योरिटीज़ के री वह क्रिस्टलाइजेशन में इम्प्योरिटीज़ उसमें से वह सेपरेट हो जाती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एल्यूम को, मतलब के यह फटकड़ी वगैरह को इसके साथ प्योर किया जा सकता है, और भी बहुत सारे साल्ट्स को इसके साथ प्योर किया जाता है। तो ये था सभी इसमें इसकी हमने अभी डिस्कस की थी थ्योरी। तो अब इसमें हम इसके साथ रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले है रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। अगर आयरन की रस्टिंग होती है तो हम उसे तो हम उसको क्या इनमें से चूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द ए कोरोजन एंड इट इज़ ए केमिकल चेंज। वो एक ये केमिकल चेंज होता है जिसमें कि आयरन से उसका ऑक्साइड बन जाता है।
नेक्स्ट इज़ मिक्सचर ऑफ द सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड। अगर आपने होमोजीनियस मिक्सचर्स की एग्जांपल्स को ऊपर वहाँ पर रीड यह किया होगा तो वहाँ से आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। ये फॉर्म करता है एक होमोजीनियस मिक्सचर। सो दिस इज़ एन होमोजीनियस मिक्सचर। सो होमोजीनियस मिक्सचर होने के कारण डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट इज़ द वह टिंचर ऑफ आयोडीन हैज़ एन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। वह टिंचर ऑफ आयोडीन हम यूज़ करते हैं जिसकी कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जख्मों के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये सोल्यूशन कैसे बनता है? ये सोल्यूशन होता है ये आयोडीन एंड अल्कोहल का। आयोडीन को अल्कोहल में डिजोल्व कर उसका ये फॉर्म कर लेते हैं वह टिंचर ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस। इनमें से कौन से फिजिकल चेंजेस हैं? मेल्टिंग ऑफ आयरन, दिस इज नॉट। रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस इज ए फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन इज नॉट ए फिजिकल चेंज। बेंडिंग ऑफ आयरन रोड इज ए फिजिकल चेंज। एंड ड्राइंग ऑफ आयरन वायर मेटल, दिस इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज। सो ओनली टू इज नॉट। So right answer is 1, 3, and 4. C is the right answer. Next is which of the following are the chemical changes? Decaying of wood is a chemical change. Burning of wood is also a chemical change. Sighing and hammering, these are not the chemical changes. So only 1 and 2 is the right answer. So ये थे physical और chemical changes के बारे में। तो फिज़िकल चेंज वो होते हैं जिनमें सिर्फ कोई ना कोई स्टेट का चेंज हुआ हो, और वे केमिकल चेंज वो होते हैं जिसमें के कोई न्यू वे कंपाउंड फॉर्म हुआ हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द सेपरेशन टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट पोटाशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? सब्लीमेशन हो जाती है। सो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सब्लीमेशन। बी इज़ द राइट आंसर। विच सेपरेशन टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन एंड वाटर दोनों एक दूसरे में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए उन दोनों को अलग अलग निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे डिस्टिलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन दैट लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। लिक्विड को गैस में डिस्पर्स्ड किया गया हो, दैट इज फोग। फोग में ऐसा होता है, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। नेक्स्ट इज स्मेल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस दैट इज H2S गैस। H2S गैस की स्मेल इनमें से कौन सी होती है? दैट इज रोटन एग जैसी उसकी स्मेल होती है, यह सड़े हुए यह अंडों के जैसी उसकी स्मेल होती है, वो आपको याद रखनी है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की। लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर दोनों इमिसिबल हैं, सो इनके लिए हम यूज़ करेंगे सेपरेटिंग फनल। तो ये सभी हमारी एग्जांपल्स पहले ही हो चुकी हैं, तो आपको ये फाइल यह पीडीएफ फॉर्म में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करें और चैप्टर की थ्योरी को अच्छे से याद रख लें और फिर इन MCQs को रीड करें, तो आपका ये सभी टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। तो अगर आपको इसकी थ्योरी डिटेल में रीड करनी है तो आप NCERT बुक्स को साथ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।